हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर तल वेलकम करता हूँ डॉक्टर एनिमल और पर। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर टोर्टोइज हमने अपने घर पर रखा हुआ है, स्टार टोर्टोइज या फिर कोई सी भी तरह का टोर्टोइज हो, अगर आप अपने घर पर रखते हैं, अगर मेल और फीमेल दोनों हैं साथ में, और तब अगर फीमेल टोर्टोइज अगर एगले करता है, तो ये एक सामान्य सी बात है, यानी कि एक नॉर्मल बात है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। मेल और फीमेल जब दोनों साथ होते हैं तभी जो उसके एग्स वगैरह वो फर्टाइल हो सकते हैं। लेकिन कछुओं में क्या सिर्फ फीमेल टोर्टोइज है, उसके साथ में मेल टोर्टोइज नहीं है? उसके बाद भी फीमेल टोर्टोइज एगले कर देती है। तो देखिए, प्रीवियस वीडियोस में मैंने बहुत बार बताया है कि जो फीमेल टोर्टोइज होती है वो सिंगल टोर्टोइज होने के बाद भी वो एगले करती है, ये उसका एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि वो जो एगले करती है वो कभी भी फर्टाइल नहीं होगा, उसमें से हैचिंग कभी भी नहीं होगी। बॉडी कुछ इस तरह की बनी हुई है कि उसका अगर उसके साथ में, अगर टोर्टोइज के साथ में अगर उसका पार्टनर नहीं भी है, फिर भी वो एगले कर देता है। लेकिन वो फर्टाइल तभी होगा, उसमें से हैचिंग तभी होगी, उसमें से बेबी टोर्टोइज तभी बाहर आएंगे अंडों से, जबकि उसके साथ में उसका पार्टनर होगा, यानी कि फीमेल के साथ मेल भी होगा, तभी वो जो एग्स हैं वो फर्टाइल हो सकते हैं, तभी उसमें से हैचिंग हो सकती है, तभी उसमें से कछुए के बच्चे पैदा हो सकते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि हमारा जो सिंगल टोर्टोइज है उसने एग ले किया है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? इस बारे में बहुत सारे कमेंट्स आए थे मेरे पास, और इसके बारे में मैंने पहले भी डिटेल से जानकारी दी है सभी वीडियो में कि जब टोर्टोइज अगर सिंगल भी होगा तो वो एग ले कर सकता है, ये उसकी बॉडी के लिए नेचुरल उसका प्रोसेस होता है। अगर फीमेल अगर अकेली भी है टोर्टोइज, फिर भी वो एगले करती है, और वो हर साल ऐसा होता है। अगर सिंगल अगर टोर्टोइज है वो भी हर साल एगले करेगा, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, आपको जानकारी ये होनी चाहिए कि उसमें से कभी भी बेबी टोर्टोइज हमें नहीं मिलेगा। बेबी टोर्टोइज तभी उसमें से पैदा हो सकता है, तभी उसमें से जन्म ले सकता है, तभी उससे हैचिंग होकर जो बेबी टोर्टोइज तभी बाहर आ सकता है जबकि टोर्टोइज के साथ उसका पार्टनर हो। इसलिए जिनके भी साथ ऐसा हुआ है, जिनके भी टोर्टोइज ने, सिंगल टोर्टोइज ने एगले किया है, यानी कि अंडे दिए हैं, तो उसमें से बच्चे बाहर नहीं आ सकते हैं, हैचिंग उसकी नहीं हो सकती है। और उन अंडों को अगर रखा जाए, अगर पूरे ही प्रोसेस को फॉलो करते हुए उन अंडों को सुरक्षित रखा भी जाए, तो कुछ समय बाद वो जो अंडे हैं वो खराब हो जाते हैं, उसमें से किसी भी तरह से हैचिंग नहीं हो सकती है। तो अंडों में से हैचिंग होने के लिए उसका पार्टनर होना साथ में जरूरी है। मित्रों, उम्मीद करता हूं अभी तक की जो जानकारी है इस बारे में
आप अच्छे से समझ पाए होंगे, क्योंकि अगर आपके पास में सिंगल टोटोज अगर एग ले कर रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि इसमें से बच्चे टोटोज ने एग ले किया है, इसमें से बच्चे जो हैं इसमें से बच्चे निकलेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन आप उसको अगर अच्छे से संभाल के उनको पूरी देखभाल करते हो, उन अंडों को सुरक्षित रखते हैं, फिर भी वो कुछ समय बाद में वो खराब हो जाते हैं अंडे, उसमें से बच्चे बाहर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम है मेल और फीमेल दोनों साथ होते हैं तभी उसमें से बच्चे बाहर आ सकते हैं। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि अगर सिंगल टोटोज को अगर एगले हुआ है, एगले किया है उन्होंने, सिंगल टोटोज ने अंडा दिया है, तो उसका क्या किया जाए, उसको कैसे, उसका क्या, उसको संभाल के रखा जाए कि इस उम्मीद में कि उसमें से बच्चा निकलेगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि उसमें से बच्चा निकले। और फिर भी अगर आपको उसको मिट्टी में दबा के रख सकते हैं, लेकिन उसमें से बच्चा 100% बच्चा उसमें से नहीं निकलेगा, हैचिंग उसकी नहीं होगी। अगर टोटोइज का जोड़ा है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों हैं, उस समय पर अगर टोटोइज एगले करता है फीमेल टोटोइज, तो उसकी केयर किस तरह से की जाए, उस जो उसका जो अंडे हैं उनको किस तरह से संभाल के रखा जाए कि उसमें से बहुत ही आसानी से सक्सेसफुली उसमें से हैचिंग हो जाए और उसमें से बेबी टोटोइज सक्सेसफुली बाहर आ जाए। इसके बारे में मैंने डिटेल से वीडियो बनाया है, आप जरूर चेक करें। और जब हैचिंग हो जाती है, जब बेबी टोटोइज अंडों से बाहर निकल आते हैं, उसके बाद उसकी किस तरह से केयर की जाए, इस पर भी मैंने डिटेल से वीडियो बनाया है। और जब बेबी टोटोइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसके बाद उसकी किस तरह से केयर की जाए, इस विषय पर भी मैंने डिटेल से वीडियो बनाया है, आप जरूर चेक करें। और ये जो अभी की जो जानकारी है, इसके अलावा अगर आपके मन में अगर किसी तरह का डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई कर पाऊं। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत।